नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी पावर। इस वीडियो हम देखेंगे SSCHSL 2017 का जो हमारी टोटल वैकेंसी थी, टेंटेटिव वैकेंसी थी, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। SSC ने अपनी साइट पे एक नोटिफिकेशन डाला है, उसके अंदर बताया गया है कि कौन से जोन से कितनी वैकेंसी है, कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है। और टोटल मिला के आप देखेंगे तो 5910 के अराउंड आपकी वैकेंसी है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही है। तो इस नोटिस का आने का मतलब है कि आपकी टाइपिंग काफ़ी जल्दी होने वाली है, DV की डेट्स आने वाली है, एडमिट कार्ड्स आपके रिलीज़ होने वाले हैं। तो देखते हैं पूरे नोटिस में क्या कुछ है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक एंड तक देखते रहिए। तो हम इस वीडियो में पूरे डिस्कस करेंगे कि CHSL 2017 के कब एग्जाम्स हो सकते हैं और क्या कुछ आपके उसके नोटिस में कहा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपडेटेड रहिए आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन के बारे में CHSL 2017 की। और आप देखेंगे तो अभी आपकी टाइपिंग बहुत पास में है, तो उसी के रिगार्डिंग ये टाइपिंग के एक बुक निकाली गई है। अगर आप टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं या फिर आपको टाइपिंग की अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट की है तो आपको ये बुक काफ़ी मतलब हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि इसमें मैंने जो प्रीवियस ईयर आपके 2015 में 16 में जो पूछे गए थे वो पैसेज मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, और जो आपके 30 प्रैक्टिस पैसेज आपको दिए गए हैं कि आप प्रैक्टिस कर सके, एक तरह से मॉक प्रैक्टिस आप देखें तो, और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके पैसेज हैं जो CHSL में आ सकते हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है, और जो आपके टाइपिंग रूल होते हैं जो SSC किस तरह से आपकी मिस्टेक्स को काउंट करता है, हाफ मिस्टेक कौन सी होती है, फुल मिस्टेक कौन सी होती है, तो वो सारा कंप्लीट इस बुक में कवर किया गया है। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड इसको कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखें तो ये SSC की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसमें आप देखेंगे तो दो नोटिफिकेशन आ रखे हैं 11 जुलाई 2019 के। तो एक तो है आपका इसमें ऑप्शन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, एक उसका नोटिफिकेशन है, और एक है आपकी टेंटेटिव वैकेंसीज कितनी है। तो दोनों नोटिस को हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक एंड तक देखिए। तो सबसे पहले इस वाले नोटिस को डिस्कस करते हैं कि कितनी आपकी वैकेंसीज हैं। तो आप देखेंगे तो ये PDF फॉर्मेट में है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, इसमें सीरियल नंबर्स दे रखे हैं और आपकी पोस्ट कोड दे रखा है, और यहाँ पे आपके मिनिस्ट्री लिख रखी है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन से डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकली है और कितनी पोस्ट हैं, और वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि मतलब टोटली इसमें इतनी वैकेंसी हैं, जनरल की इतनी हैं, SC ST की इतनी हैं, OBC की इतनी हैं, और पोस्ट कौन सी है, LDC है, कौन सी किस लेवल की पोस्ट है, वो सारा इसमें बता रखा है इन्होंने। और आप देखेंगे तो इसकी ग्रेड पे भी यहाँ पे बता रखी है, और इसमें क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, जो फिजिकली फिट होने चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस है नहीं है, उसका भी हर डिपार्टमेंट में अलग अलग है, तो जो बच्चे मतलब कलर ब्लाइंड है या नहीं है उसके हिसाब से अपनी प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे तो ये 2017 की रिपोर्टेड वैकेंसीज़ हैं, तो टोटल इनको मिलाएंगे तो 2651 के आसपास ये वैकेंसी हो जाती हैं। तो ये LDC की वैकेंसी की बात की है इसमें, आप देखेंगे तो ऊपर ऊपर इन्होंने लिख रखा है LDC वैकेंसी की बात की गई है, तो इसमें सारी LDC की वैकेंसी की बात की है, तो ये आपकी 2651 के आसपास हो जाती है। और आप देखें तो PA जो पोस्टल असिस्टेंट होता है, जो शॉर्टिंग असिस्टेंट भी जिसको हम बोलते हैं डाक विभाग में जो लगते हैं, तो उसकी 3222 के आसपास वैकेंसी है आपकी, और टोटल आप मिला के बात करेंगे तो 5914 मतलब 5914 आपकी वैकेंसीज़ हैं जो आपके CHSL 2017 के थ्रू भरी जानी है, और DEO की वैकेंसी तो सिर्फ 41 है, और टोटल मिला के 5914 वैकेंसी है जो CHSL 2017 के थ्रू भरी जानी है। तो आप सभी बच्चों को उस पर फाइट करना है। अभी आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द बच्चों को टाइपिंग में काफ़ी बच्चे निकलते हैं, तो टाइपिंग आपको उसमें काफ़ी सीरियस होकर टाइपिंग करनी है, और इसमें कुछ एक चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है आप, तो इसमें कलर ब्लाइंडनेस का ध्यान रखना है ऑप्शन फॉर्म जब भी आप फिल करेंगे, और इसमें जैसे इन्होंने कह रखा है कि इट्स ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स, तो इस फीमेल्स को ये ऑप्शन फिल नहीं करना है, और आप इसमें अपने हिसाब से आप ऑप्शन मतलब भर सकते हैं कि कौन सी प्रेफरेंस आपको किस तरह से देनी है, इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। और आप इसमें देखिए जिस बच्चे को हो कि सिर्फ मेरे को सर नौकरी चाहिए, ऐसे ज़्यादा कुछ प्रेफरेंस नहीं है, तो आप सबसे पहले जो हायर ग्रेड पे है उसको प्रीफर कीजिए, उसके बाद में आप अपनी LDC को प्रीफर कीजिए। आप देखेंगे तो ये सेकंड नोटिस था हमारा SSC का, जो ऑप्शन फॉर्म का बता रखा था, तो ये SSC का ऑप्शन फॉर्म है, इसमें सारी पोस्ट के नाम दे रखे हैं, जैसे जो मतलब अभी अपन ने देखा उसमें, उस हिसाब से आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, और इसमें ये सारी वैकेंसीज़ आपको देखनी है इसमें। और इसमें आप देखेंगे तो आपके लास्ट में ये दो टेबल दे रखी है, तो इसमें आपको जैसे अपना फिल करना होता है, जैसे आपको सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देनी है, सबसे पहले प्रेफरेंस आपको जैसे इसको देनी है D48, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा D48, और जैसे सेकंड प्रेफरेंस कौन सी है, इस तरह से आपको सारी इसमें एंटर्स करनी पड़ेंगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको ये मतलब सारे इसके कोड दे रखे हैं, तो ये कोड आपको यहाँ पे एंटर करने हैं, और ये फॉर्म है सिर्फ एक सैम्पल फॉर्म है, यहाँ पे इस पर सिर्फ आपको पहले से ही फिल करके ले जाना है, वहाँ पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको इसके अंदर से देख के अब उनको बताना पड़ेगा कि सर ये मेरी प्रेफरेंस है, वो कंप्यूटर में एंट्री करेंगे, वो फाइनल आपकी प्रेफरेंस वहाँ पर मानी जाएगी, फिर उसका प्रिंटआउट लिया जाएगा और आपसे सिग्नेचर करवाए जाएंगे, तो वो उस तरह से कंप्लीट फॉर्म होगी। ये सिर्फ स्पेसिफिक मतलब कि
सैंपल है तो आपको अपने पास ही रह जाएगा ये वाला फॉर्म तो आपके पास, बट आपको वहाँ पे जाने से पहले इसको फिल करके पूरा यहाँ पे लेके जाना है कि ताकि आपको उस टाइम पे ऐसा सोचना नहीं पड़े कि कौन सी पोस्ट के लिए मुझे फिल करना है कौन सा नहीं करना है। तो इसमें इन्होंने पूरी डिटेल्स बता रखी है। तो आप देखेंगे तो आप मोस्ट प्रोबेबली आपकी टाइपिंग बहुत जल्दी हो जाएगी, फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में आपकी टाइपिंग हो जाएगी। आप देखेंगे तो अभी एक या दो वीक में, मतलब इस वीक में या फिर नेक्स्ट वीक में आपके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे डीवी और टाइपिंग के रिगार्डिंग। तो आपको मतलब टाइपिंग के जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, स्टार्ट नहीं किया है, तो अभी भी आप चाहें तो अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करके उसकी टाइपिंग निकाल सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी टाइपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी और वो जो चाहते हैं सिर्फ थोड़ा मॉक उनका प्रैक्टिस हो जाए, तो उनके लिए बुक निकाली गई है। आप इस बुक में देखेंगे तो प्रीवियस ईयर के जो टाइपिंग पैसेज हैं वो इंक्लूड किए गए हैं, ये इसका इंडेक्स है। तो इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं बच्चों के लिए, कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस किस तरह से आपको मतलब टाइपिंग करनी होती है और क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसका, ये पार्ट टू में इंक्लूड किया गया है। ये पूरा उसका कंप्लीट इंडेक्स है, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं। आप देखेंगे तो टाइपिंग मिस्टेक्स आपको किस तरह काउंट होगी एसएससी के थ्रू, वो सारा काउंट किया गया है। और आपके लास्ट के जो मतलब होता है कि टाइम प्रैक्टिस के पैसेज भी 30 से मोर देन 30 पैसेज दिए गए हैं। तो आप इस बुक को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसके जैसे टाइपिंग हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक पूरी कंप्लीट डिटेल्स इसके अंदर है, और ये लास्ट ईयर के पैसेज भी आप देख सकते हैं इस तरह से इंक्लूड किए गए हैं। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, और अगर आपको कोई डाउट है कुछ क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और जो सबसे पहले अपडेट होती है आपको मैं सबसे पहले फेसबुक और टेलीग्राम पे देता हूं। तो आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, अपडेटेड रह सकते हैं आने वाली सभी वैकेंसीज के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपके कोई डाउट्स हैं कुछ बात रह गई जो आपको पूछना है कि सर इसमें के बारे में क्या होता है उसके बारे में क्या होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपडेटेड रहिए आने वाली सभी वैकेंसीज के बारे में, सभी न्यूज़ के बारे में, ऐसे CHSL में क्या हो रहा है, कब उसका नोटिस आता है, कब कुछ अपडेट होती है, तो सारी कंप्लीट आपको अपडेट हमारे चैनल पर मिलती है। तो सब्सक्राइब कीजिए और अप टू डेट रहिए आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।